सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको 92 अप्रैल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस करनी है और कौन से स्टॉक्स थर्सडे मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आज की मार्केट की बात करें तो मैंने आपको जो 5 स्टॉक सजेस्ट करे थे, एयरटेल, टाइटन, एनआईटी टेक, माइंडट्री और फ्यूचर रिटेल, तो सबने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया होगा। हमने देखा था कि टाइटन, मैंने आपको बताया था कि 1000 के ऊपर निकलेगा तो हमें अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं और भी ऊपर के लेवल्स बनते हुए मिल सकते हैं, पर वो 1000 के ऊपर गया ही नहीं तो आपने उसमें ट्रेड भी नहीं करा होगा। और जो 4 स्टॉक्स मैंने आपको बाय के लिए बताए थे उसमें अगर आपने ट्रेड करा होगा तो अच्छे खासे आप प्रॉफिट में रहे होंगे और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं कि कल हमें कौन से स्टॉक्स में प्रॉफिट हो सकता है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे हमें परचेज करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज शुरुआत करते हैं। ऑयल इंडिया, अबान ऑफशोर, रिलायंस कैपिटल, हिंदुस्तान जिंक और जमुना ऑटो, ये 5 स्टॉक्स है बाय और सेल साइड में जो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं। ऑयल इंडिया बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको 221-226 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 215 का लगा के चलना होगा। अबान ऑफशोर बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको 177-181 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 19169 का लगा के चलना है। ये दो स्टॉक्स मैंने आपको इसलिए सजेस्ट करे क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो $72 पर बैरल के ऊपर जा चुके हैं और 72.75 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर मार्केट ओपन होती है और उसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम कह सकते हैं कि इन दो कंपनीज को फायदा होगा और शायद ये कंपनीज और ऊपर जा सकती हैं। तो इन दो कंपनीज में आप वॉच करके चलिए, अगर ऊपर की तरफ ये रैली बनाना शुरू करते हैं तो आपको रिटर्न अच्छे खासे मिल सकते हैं, क्योंकि ये दो स्टॉक्स ऐसे होते हैं अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और ये स्टॉक्स बढ़ते हैं तो सीधा 6 से 7% तक की मूव देते हैं। रिलायंस कैपिटल वीक स्ट्रक्चर लग रहा है, चार्ट पैटर्न वीक है, सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 433-428 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 440.35 का लगा के चलना होगा। हिंदुस्तान जिंक बहुत टाइम बाद इसमें हमने तेजी बनते हुए देखी है और अब हमने देखा कि आखिरी के कुछ मिनटों में हमने इसमें और तेजी बनते हुए देखी, अब ये शायद BTST ट्रेड बन सकता है और इसे आप और ऊपर के लेवल्स में ले सकते हैं। तो आप इसे बाय करने की सलाह दी जाएगी 327.20, 332 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 318 का लगा के चलना होगा। जमुना ऑटो ये आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बाय करने के लिए, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न खुद ही देखेंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि ये एक ऐसा स्टॉक है जब मार्केट गिरेगी भी तब भी ये स्टॉक बढ़ेगा। तो मैं इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आने वाला हूँ और ये आपके लिए एक और सरप्राइज है कि ये एक आने वाला मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो उसमें क्या ऐसे रिटर्न्स हैं, क्या ऐसे इसके फैक्टर्स हैं, क्या ये कंपनी करती है और क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, वो सब मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके लिए तो इसको बाय करने की सलाह दी जाएगी 19.50-92.55 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 86.40 का लगा के चल रहा है। एक बात मैं आपको और बताऊं, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है और मैं हमेशा वेट करता हूं कि ये कब करेक्शन में आए और मैं कब इसे एवरेजिंग करके इसे बाय करूं, पर ये करेक्शन में नहीं आ पाता। तो ये एक स्टॉक ऐसा है जो गिरती मार्केट में भी हमें अच्छे खासे रिटर्न देकर जा रहा है और कह सके तो एक जिसे डेढ़ हफ्ते के अंदर ही इसने मुझे 15% का रिटर्न दे दिया है। तो अगर हम बड़े निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ, तो हमने देखा था कि मार्केट शुरुआत में तो ओपन अच्छे से खुली थी पर उसके बाद कुछ ऐसे चीजें हुई होंगी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों नीचे चले गए। तो मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया ही था कि आपको बाय या सेल करने की सलाह नहीं दी जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि मार्केट इस ट्रेड के अंदर, इस पैटर्न के अंदर अपना वर्क करेगी। तो वही हुआ, मार्केट ने अपना वही पैटर्न करा। मैंने देखा है कि जो बैंक निफ्टी है 2-3 दिन से अपना हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा, कल भी उसने 25,400 जो उसका एक हाई था जो उसने बनाया था उसको उसने क्रॉस नहीं करा और आज भी उसने 25,400 का हाई बनाया और उसे क्रॉस नहीं करा। तो वो एक सपोर्ट बन सकता है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कि वो एक रेजिस्टेंस है उसे क्रॉस करके सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी, तो हम ऊपर के लेवल्स एक्सपेक्ट करें, पर उससे पहले हमें 25,400 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। तो वो एक अपर साइड में रेंज बन सकती है और नीचे साइड में हम कह सकते हैं कि 25,000 एक स्ट्रांग सपोर्ट है,
वो एक रेंज बन सकती है। तो मैंने आपको अपनी कल वीडियो में ही बता दिया था कि ये एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है। अगर मैं आपको बताता कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं आपको बाय करने के लिए बोलता, पर मैंने आपको कहा था कि मार्केट अभी रेंज में रह सकती है, तो अभी से बाय ना करिए। जिस रेंज को तोड़ के नीचे या ऊपर जाएगी फिर हम अपने बाय साइड या सेल साइड बनाएंगे। तो अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ कि जो निफ्टी का ट्रेड है वो ऊपर जाने की कोशिश तो करेगा, पर अगर वो 10,600 के लेवल को तोड़ के सस्टेन करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि हमारा 38.2% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम कह सकते हैं कि और अच्छे लेवल्स यानी 10,730 तक के लेवल्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर उससे पहले हमें अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, हमें अपनी रेंज को डिसाइड करना पड़ेगा। उस रेंज के अंदर भी हम अपना अगर कॉल या पुट ऑप्शन लेंगे तो हमें अपने फायदे में रह सकते हैं। तो 10,580, 10,650 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 10,380 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। वैसे भी 10,420 जो मैंने आपको अपने चार्ट में बताया था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, पर उससे 40 पॉइंट नीचे लगाने में आपको कोई हर्ज नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, कह सकते हैं तो 25,050 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, पर शायद कल बैंक निफ्टी की मार्केट एक्सपायरी है, हम कह सकते हैं वीकली एक्सपायरी है, तो शायद मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रहा है और इस नीचे तक के लेवल्स भी जा सकते हैं, पर शायद हम कह सके कि 25,000 के ऊपर या 25,050 के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। 25,400 साइकोलॉजिकली भी कह सकते हैं और चार्ट्स के बेसिस में भी कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, शायद इसे कल ना तोड़ पाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा ऐसा स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए जो मैं आपको बता सकूं, या वो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं बन सकता, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। और कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको स्टॉक से रिलेटेड वो भी मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस आपको हर दिन मिलती रहे। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।